हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग कैसे विलेज में ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हो और कैसा स्पीड रहेगा और विलेज के कितने अंदर तक जो अपना फाइबर है वो पहुंच सकता है। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा बेस्ट राउटर कौन सा है और आपको कौन सा राउटर लेना चाहिए और स्पीड कितना आपको मिल जाएगा। वैसे तो वीडियो को करते हैं शुरू, और अगर आपने ये वाला पूरा वीडियो देख लिया तो ज़रूर आपका जो डाउट है पूरा ख़त्म हो जाएगा। वैसे गाइस, अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। इसको देखने से आपको पता चल जाएगा मेरे घर तक फाइबर कैसे आया था, और ये वाला जो एक्सटेंशन हो रहा है मेरे घर के बाद से हो रहा है, मतलब मेरे घर के से जो है फाइबर निकल रहा है, निकल के करीब करीब 200 मीटर दूर जा रहा है ये कनेक्शन, और ये 200 मीटर का ही बैरल है। और पहले वाले फुटेज में तो आप लोगों ने देखा ही है पूरा फ्रेश बैरल जो है लाया गया है, और पूरा फ्रेश बैरल से जो वायर है उसको छोड़ा जा रहा है, देख सकते हो कि वायर जो है वो जा रहा है। प्रोसेसिंग की अगर बात करो तो 200 मीटर का वायर जो है वो फ्री मिला है, और बाकी का जो जितना भी वायर लगेगा उतना सारा कस्टमर देगा। तो प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, आपका नियरेस्ट जो BSNL का ऑफिस है उसमें जाके आप लोग कांटेक्ट करोगे, उसके बाद आपको वेंडर जो है उसके साथ कांटेक्ट करवा दिया जाएगा, फिर आपके इधर जो कनेक्शन है वो लगाया जाएगा वेंडर के थ्रू। तो वेंडर के साथ आपको नेगोशिएशन करना है। वायर की अगर प्राइसिंग बताओ कि मुझे कितने का मिला, तो मुझे फ़िलहाल 12 रुपये मीटर मिला, और आपको कम भी मिल सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे ही कुछ आसपास रहेगा। तो इधर देख सकते हो इधर तक जो रोड था वो है, उसके बाद से मतलब पूरा कच्चा रोड है और पूरा ही एकदम विलेज है, सही का रोड भी नहीं है गाइस। तो वायर जो है उसको हैंग करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल जो है वो भी नहीं है, और पूरा ट्री वगैरह में हैंग करके लेके जाना पड़ेगा वायर को। और ये वाला जो कनेक्शन था वो बहुत ही चैलेंजिंग था BSNL वालों के लिए और हम लोगों के लिए भी इसको जगह पे पहुंचाना। फिलहाल मैं इधर वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत उन लोगों की मदद भी कर रहा हूँ ताकि वायर जो है प्रॉपरली छूट जाए, इधर कोई जो झमेला ना हो वायर में, एक के साथ दूसरा ना उलझे इसके लिए। फिलहाल मैं एक नॉर्मल सा टूर दे देता हूँ विलेज का, कितने अंदर तक जंगल के कितने अंदर तक जो कनेक्शन है वो पहुँचेगा। फिलहाल बिना स्कूटी के तो जाना मुश्किल है, रोड है बहुत ही ख़राब सा रोड है, प्रॉपर रोड नहीं है इधर, और बहुत ही जंगल के अंदर है, मान लो शहर से 5-6 किलोमीटर ज़्यादा अंदर है। प्राइवेट ऑपरेटर का तो सवाल ही नहीं उठता कि ऐसे सिचुएशन पे ऐसे अंदर इतना अंदर जो है कनेक्शन पहुंचा पाए, सिर्फ BSNL का ही इतना दम है कि जंगल के अंदर भी सुनसान एरिया पे भी अपना कनेक्शन जो है वो पहुंचा सके। पहाड़ के बीचों बीच जंगल में एक ऑफिस देखने को मिलेगा आपको, और उस ऑफिस में देखोगे कि नेट चल रहा है, और वो नेट किसका चल रहा है, वो है BSNL सरकारी कंपनी जो है वो BSNL का नेट चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में ऐसे हालत में इंटरनेट का जो पहुंचाना, या फिर कस्टमर बोलो या फिर ऑफिशियल काम के लिए बोलो या फिर कोई भी चैलेंजिंग कंडीशन पे अगर इंटरनेट पहुंचाना हो वो है सिर्फ अपना सरकारी कंपनी BSNL। तो ज़रूर गाइस इसको सपोर्ट किया करो, इसके मदद से ही जो है अपना कनेक्शन जो है पहुँच रहा है विलेज के अंदर। और अगर प्राइवेट ऑपरेटर की बात करो वो सिर्फ शहरों में दे रहे हैं कनेक्शन उनके प्रॉफिट के लिए, बाकी BSNL जो इतना अंदर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो एकदम ही प्रॉफिटेबल नहीं है। फिलहाल देख सकते हो इधर जो है डस्टबिन शहर का जो कचरा है इधर फेंका जाता है और प्रोसेस किया जाता है, और इस कचरे के ढेर में ज़्यादा मीथेन गैस की वजह से आग भी लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो फिलहाल देख सकते हो इधर से रबर की खेती होता है चारों तरफ, और रबर की खेती से के अंदर से जो अपना वायर है वो आया है इधर, देख सकते हो वायर गिरा गया है, इस तरफ से आया है, इस तरफ एक छोटा सा फार्म हाउस भी है, चारों तरफ रबर की खेती है और जंगल ही जंगल है। और देख सकते हो कितने सारे मंकीज है, अगर आप लोग इस रोड पे अकेले चलते हो फिर मंकी भी आप लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, इतना ख़तरनाक सा जगह है, और लोग तो एकदम भी नहीं है, सुनसान सा एरिया है, और बहुत दूर दूर एक एक घर है बहुत दूर दूर। और ये देख सकते हो हम लोग जो खाते हैं पान का खेती, तो पैक करते हुए हम लोग जब हैंग करेंगे वायर को प्रॉपरली तो इस जगह के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये जो कनेक्शन है एक दिन पे नहीं हो पाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, और इस घर में भी एक कनेक्शन आएगा। फिलहाल देख सकते हो वायर जो है रोड पे पड़ा हुआ है हम लोगों का, और हम लोग जा रहे हैं वायर जहाँ तक लास्ट जाएगा, जिस घर में मेनली जिस घर के लिए कनेक्शन है हम लोगों का,
उधर जाएगा, हम लोग जा रहे हैं स्कूटी लेकर। और ये जो घर दिखाई दे रहा है इसमें होगा हम लोगों का मेन कनेक्शन। तो करीब करीब शहर से 7-8 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा, इतना दूर है ये कनेक्शन। और ये जंगल के अंदर से होते हुए सिर्फ एकमात्र BSNL ही ऐसा कंपनी है जो इसको पहुँचा सकता है कनेक्शन को। तो भाई जो है हम लोगों का जो वायर को प्रॉपरली हैंग कर रहे हैं पैर पे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिसिटी का कोई पोल नहीं है, पोस्ट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आया बहुत मुश्किल से आया जंगल के अंदर से ही। तो ये है हम लोगों का कमल ब्रदर, जिनके वजह से ये जो कनेक्शन है वो पॉसिबल हो पाया है। और देख सकते हो हम लोगों का जो भाई है वो घूंघट लगाया हुआ है शर्म के वजह से। एक्चुअली शर्म के वजह से नहीं गाइस, ये जो है जंगल पे ऐसा चीटिया है, खतरनाक जंगली चीटिया, ये ऐसा काटते हैं क्या ही बताओ, जिसके वजह से वो एक कपड़ा जो है मुंह में लपेट के रखा है। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कट चुका है इस जंगली चीटियों ने, इसके वजह से ये ऐसे कपड़ा जो है मुंह में लपेट के रखे हुए हैं। तो गाइस देख सकते हो कितनी परेशानी के साथ ये लोग जो है मेहनत से काम कर रहे हैं, और इनके लिए एक सैल्यूट बनता है। ये कमल ब्रदर है एक, और दो है साधु। तो ये तीन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से जो है कनेक्शन को प्रॉपरली सक्सेसफुली जो कनेक्शन कस्टमर तक पहुंचा दिया है 2 दिन के अंदर गाइस। तो गाइस पहले मैं जिसके बारे में बताया था, ये जो पान की खेती है, तो इधर कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर वगैरह नहीं है, पिलर वगैरह नहीं है। तो पान की खेती के साइड से इजीली जो है बेम्बू के मदद से वायर को प्लेस किया गया है। और ये देख सकते हो इस पैर में जो है वायर को हैंग करा गया है। और अभी फ़िलहाल अंधेरा होने को है, शाम ढल चुका है, जिसकी वजह से कैमरा जो है प्रॉपर फोकस नहीं हो रहा है। इस जगह से जो है अपना वायर पूरा जंगल के अंदर से जाएगा। और अभी देख सकते हो कमल भाई कैसे इस वायर को खींचेंगे। और इस टाइम पे गर्मी इतना है गाइस कि अच्छा खासा कपड़ा जो है वो लगा के रखना मुश्किल है, इसके वजह से वो जो है बनियान पे आ चुके हैं। और इस जगह से देख सकते हो पूरा जंगल के अंदर से जो कनेक्शन है वो जाएगा। और फिलहाल जो अंधेरा हो चुका है, अभी कुछ भी रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और गाइस इतने अंधेरे में रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है, फेस वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सुनसान और जंगली एरिया से अगर आप भी बिलोंग करते हो, ऐसा विलेज से आप भी बिलोंग करते हो, डेफिनेटली आप लोग BSNL को कंसीडर कर सकते हो। इस सिचुएशन में कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप तक इंटरनेट नहीं पहुँचाएगा सिवाय BSNL के, सरकारी कंपनी हम लोगों का। इधर से जो है गाइस देख सकते हो वायर अपना जाएगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो कल शूट होगा, बाकी का काम भी कल ही होगा। तो देख सकते हो बहुत मुश्किल है अभी रिकॉर्ड करना कुछ भी। तो कल का जो काम है वो पूरा हो चुका है, वायर को अलग अलग जगह पे सेट कर दिया। फिलहाल आज का जो काम है, आज का काम है स्लाइसिंग मशीन से पूरे वायर को एक साथ कनेक्ट करना। फिलहाल देख सकते हो स्प्लिटर और स्प्लिटर वगैरह की मदद से अलग अलग स्प्लिटिंग वगैरह करेगा ये जो टेक्निकली है, और फाइबर को जो कनेक्ट करेगा एक साथ ये वाला मशीन से। तो फिलहाल ये वाला काम चालू है। फिलहाल वायर जोड़ने का सारा काम खत्म हो चुका है। फिलहाल आ चुके हैं कस्टमर के घर पे, और अभी जो राउटर है राउटर की अनबॉक्सिंग करेंगे और राउटर का मॉडल वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो फिलहाल ये जो राउटर लगेगा ये है जीपॉन राउटर, ONU राउटर, ONT राउटर। तो फिलहाल इसके अगर बात करूँ ये वाला है मॉडल, मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है देख सकते हो। और ये वाला मॉडल है डुअल पेंट। और अगर आप विलेज के ज़्यादा अंदर कनेक्शन चलाओगे तो दूर है आपके इधर से ऑफिस, तो आप डेफिनेटली डबल पेंट को यूज़ करना। एक्चुअली डुअल पेंट में होता क्या है, एक जो नेटवर्क मिल जाएगा आपको वाईफाई का जो लॉन्ग रेंज होगा, दूसरा मिलेगा शॉर्ट रेंज का जिसमें कि एज इट इज स्पीड होगा वायर जैसा, और आपको 1-2 MB का स्पीड ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा स्पीड मिल जाएगा। तो राउटर भी कॉन्फ़िगर करा के लाए हैं हम लोगों ने BSNL ऑफिस से, और फिलहाल ये कमल भाई जो है इसका कनेक्शन करेंगे। फिलहाल राउटर को हम लोगों ने अनबॉक्स कर दिया है।
राउटर मिलता है, एक RJ45 का केबल मिलता है और एक चार्जर मिलता है, चार्जर नहीं सॉरी एडोप्टर मिलता है और कैमरा फोकस नहीं हो रहा है। तो 12 वोल्ट का DC का एडोप्टर है, ये फिलहाल यही है बॉक्स कंटेंट। और बाकी का व्हाइट कलर का साइरोटेक का राउटर है, ब्रांड है साइरोटेक और मॉडल मैं इधर फिर से मेंशन कर दूंगा। फिलहाल यही लेटेस्ट मॉडल है और ये मॉडल चल रहा है फिलहाल साइरोटेक का। और ये देख सकते हो डुअल बैंड का राउटर है और देख सकते हो फोन पावर वगैरह सब कुछ, वाईफाई वगैरह सब कुछ इधर है मेंशन करा हुआ। और मेरे वाले राउटर से थोड़ा छोटा है राउटर, मगर और राउटर के अगर ओवरव्यू की बात करूँ, इधर पावर ऑन ऑफ है, पावर डालेगा इसमें 2 RJ45 है, एक टेलीफोन केबल है और इधर जो है अपना फाइबर डालेगा। तो फाइबर जो है डायरेक्टली राउटर में आएगा और यही है अपना ONT राउटर का स्पेशलिटी, जो अच्छा खासा ब्रांड है, अच्छे अच्छे ब्रांड है जो कि ONT राउटर सपोर्ट नहीं करता, ONT प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सिर्फ साइरोटेक और छोटे मोटे लोकल ब्रांड जो है उसको वो ही अपना ये वाला ONT राउटर बनाते हैं जो कि डायरेक्टली फाइबर को सपोर्ट करते हैं। फाइबर जो है डायरेक्टली राउटर के अंदर आएगा, तो डायरेक्टली तो राउटर के अंदर नहीं आएगा। तो ये वाला व्हाइट बॉक्स है, इसके अंदर येलो वाला जो वायर है इसको भी फाइबर है और इसके साथ इसको जो है इस स्लाइसिंग मशीन के मदद से जोड़ा जाएगा। और इस वाले येलो केबल के दूसरे एंड पे एक जैक होता है, ये वाला जैक हम लोगों का राउटर के अंदर जो है डाला जाएगा। फिलहाल देख सकते हो येलो वाले वायर के अंदर से जो फाइबर निकल चुका है, ये वाला फाइबर जो है मशीन के मदद से ब्लैक वाले वायर के साथ कनेक्ट करा जाएगा। उसके बाद ये येलो वाले के दूसरे एंड पे है ये प्लग, इसको प्लग इन करा जाएगा राउटर में। और ब्लैक वाले फाइबर के अंदर 4 तार होता है, 6 तार होता है। फिलहाल ये जो कोर ये जो फाइबर यूज़ करा जा रहा है इसके अंदर 4 फाइबर है ब्लैक वाले के अंदर। तो ये वाले को यूज़ करा जा रहा है हम लोगों के कनेक्शन के लिए रेड वाले को, क्योंकि रेड वाले के साथ ही पूरा कनेक्शन जो है उसको जोड़ा गया है। फिलहाल वायर को सेट कर दिया गया है फाइबर को और अभी सेट करा जा रहा है इसको, सेट पैक करा जा रहा है क्लिक। और अभी देख सकते हो फाइबर जो है फाइनली जोड़ा जा चुका है गाइस, अभी जो है मीटर पे चेक। तो पावर की अगर बात करो गाइस, देख सकते हो जंगल के इतने अंदर भी, इतना दूर कनेक्शन ले जाने के बाद भी इतना अच्छा सा पावर हम लोगों को देखने को मिला। तो गाइस इस वाले व्हाइट बॉक्स के अंदर फाइबर को जो है प्रॉपरली जो मेंटेन करा जा रहा है, प्रॉपरली जो है इसको सेट करा जा रहा है ताकि इसके अंदर ये वाला पार्ट ना हिले, जिसका जो ज्वाइनिंग है वो ना हिले, ना टूटे। इसकी वजह से इसको अच्छे तरीके से जो पैकिंग करा जा रहा है टेप वगैरह की मदद से, इसको प्रॉपर पैकिंग करा जाएगा। तो वायर को पैकिंग करने का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। फिलहाल अभी राउटर को करेंगे बूट अप और करेंगे फाइबर का कनेक्शन राउटर में और देखेंगे राउटर का स्पीड कितना देखने को मिला। फिलहाल राउटर को अभी इंटरनेट का सप्लाई नहीं मिला जिसकी वजह से रेड ब्लिंक कर रहा है। तो इसके अंदर फाइबर का कनेक्शन जो है वो जैक की मदद से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, फाइबर पहुँच चुका है राउटर के अंदर येल्लो वायर के थ्रू, पेचकोट के थ्रू, क्योंकि पेचकोट डायरेक्ट फाइबर तो नहीं घुस सकता, तो
पेज कोड हम लोग एज ए एक्सटेंशन या फिर कह लो प्लग के लिए यूज़ करेंगे प्लग इन। तो फिलहाल राउटर हो चुका है ऑन, हम लोग देखेंगे अभी स्क्रीन पे कि स्पीड कितना आ रहा है। तो गाइस हम लोगों ने कर दिया वाईफाई से कनेक्ट और स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो है speedtest.net और देख सकते हो तो बहुत ही इम्प्रेसिव सा स्पीड है। बंदे ने 100 Mbps का प्लान लिया है और स्पीड टेस्ट के आखिर में पता चलेगा कितना Mbps हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मैं अगर डाउनलोड की बात करूँ तो 128 Mbps, तो 28 Mbps करीब करीब 30 Mbps ज़्यादा है। 100 Mbps का स्पीड लिया और 30 Mbps ही ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छा। और अपलोड देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है, 168 Mbps का अपलोड स्पीड है। और एक वेबसाइट यूज़ करेंगे जो है fast.com, तो इसमें भी देख सकते हो कितना स्पीड हम लोगों को देखने को मिलता। और फिलहाल इसमें भी 100 के ऊपर 100-120 Mbps का स्पीड देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम लोगों ने 100 Mbps का स्पीड लिया था, तो बहुत ही अच्छा स्पीड है। वैसे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, और कुछ भी जानना हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।